हम देंगे अमित शाह के लड़के को 48 लाख रुपए, उसको गोली मरवाओ, बॉर्डर पे भेजो, 48 लाख में हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं। मोदी जी ये बोल रहे कि हम रशिया से पॉलिसी लेके आए कि 4 साल की है, नीदरलैंड से लेके आओ ना 2 साल के लिए, प्रधानमंत्री चुनो ना अपने आप को भी। किसान दिल्ली के अंदर नहीं झुके, बालक तो हम भी उनके हैं, झुकने वाले हम भी नहीं है, और इस बार आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगी जी। हम है ना 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम है ना बोल रहे थे कि कोविड के कारण है ना 2 साल का इज रिलैक्सेशन दिया जाए, लेकिन उसके बजाय गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 23 बिना छोड़ के उसको 21 कर दिया, ठीक है। एक बंदा 18 साल का 12वीं कर रहा है मैडम, है 2 साल 3 साल उसने तैयारी करने में लाग जाए हैं, जो उन बंदा का क्या होगा जो 2 साल कोविड में 3 साल उनके बीत गए, इनके 2 साल ईब उम्र भी कम कर दिया आर्मी कलर की, उनका क्या होगा, जिन बालका का एयरफोर्स इनरोलमेंट आ लिया था, जिनने फिजिकल दिया, मेडिकल दिया, टेस्ट क्लियर कराया, ठीक है, वे आखिरी टाइम पाक उनकी लिस्ट जारी नहीं करी, उनका क्या होगा मैडम। ये सब है ना सरकार के बहाने बनाने की बातें हैं, और सब देश सेवक हैं, ठीक है, आप मीडिया के कर्मी हो, आप भी देश सेवक हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने परिवार की सिक्योरिटी सब देख के चलते हैं, ठीक है। किसी का माँ बाप है ना 21,000 के लिए अपने बच्चे को बॉर्डर पे गोली खाने के लिए नहीं भेजेगा, ठीक है, और बोलते हैं हम 48 लाख रुपये दे देंगे, हम देंगे अमित शाह के लड़के को 48 लाख रुपये, उसको गोली मरवाओ, बॉर्डर पर भेजो, 48 लाख में हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं क्या, ये ऐसे नहीं होता मैम। ये बजट की बात कर रहे हैं, बजट की बात डिफेंस पे क्यों कर रहे हैं, पैरामिलिट्री पे क्यों कर रहे हैं, MPMLA भी नहीं कर रहे, 5 साल के लिए रह रहे हैं, बाद में क्या जरूरत है पेंशन की उनको, मेन मुद्दा तो ये है ना, जो 17-18 साल बच्चा जॉब कर रहा है, आर्मी का एक सोल्जर जॉब कर रहा है, उसको जरूरत है, घर से बाहर बैठा है 4,000-5,000 किलोमीटर, उसके परिवार को सामने वाला कोई नहीं है, पेंशन की जरूरत उसी है, MPMLA को किस चीज की जरूरत है। और आप सदनवीर कहेंगे अगर उन्होंने पेंशन छोड़ दी, क्या जी आप MPMLA को सदनवीर कहेंगे अगर उन्होंने अपनी पेंशन छोड़ी? हाँ बिल्कुल कहेंगे जी, छोड़े अभी छोड़े मान जाएंगे हम। मेन बात यह है मैडम, इस बार आंदोलन है, इस बार मैडम बात यह है, हमें किसान के बालक है, किसान दिल्ली के अंदर नहीं झुके, बालक तो हम भी उनके हैं, झुकने वाले हम भी नहीं है, और इस बार आंदोलन नहीं होगा, क्रांति होगी जी, क्रांति आंदोलन होगा, आंदोलन तो बहुत छोटा रह गया सिस्टम, अब बात युवाओं पे आ गई है, युवा पे नहीं है मैम, बट्टा बिठाना चाहते हैं देश का किसी भी किसी तरीके से।